तो कैसे हो सभी? सब बढ़िया? दशहरा अब तुम लोग सोच रहे होगे, हेमंत भाई दशहरा तो हर साल आता है, इसमें क्या स्पेशल है? स्पेशल है, मेरे लिए स्पेशल है, और उसे स्पेशल बनाने के लिए इसके पीछे दो बहुत बड़े रीजंस हैं। चलो एक स्टोरी सुनाता हूँ। अब दशहरा तो हर साल होगा, वो डेकोरेशन, वो रौनक तो हर साल हो जाएगी, लेकिन वो चार कमीने दोस्त के साथ रात भर घूमने वाली वाइफ, वो शायद अब फिर कभी नहीं होगी। चार दोस्त, दशहरे की रात और पटना की रौनक। यादों के पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन, गुल्लक में पड़ी चवन्नी सी बचा के रखे हैं हमने वो दिन। ना किसी मंजिल की फिकर थी जिंदगी, जीने की उम्र थी। अगर तुम पटना में हो और डाक बंगला चौराहा नहीं घूमा तो फिर कुछ नहीं घूमा। रंग सारे गुलाबी चुनरिया रे, रंग सारे गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया चलो अब ज़्यादा सेंटे भी मत हो, क्योंकि अभी रीज़न नंबर टू बाकी है। अब दशहरा तो हम लोग हर साल घूमते थे, पूरी रात घूमते थे, लेकिन आज तक कभी इवेंट जैसे डांडिया नाइट वगैरह में हम आज तक कभी नहीं गए, लेकिन इस बार जाने वाले थे। सो आज से पहले मैंने कभी ऐसा कोई इवेंट अटेंड नहीं किया था, तो मेरे लिए पूरा कंप्लीट ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला था। तो चलिए देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है मेरा। अब सुबह से हम सारे दोस्त काफ़ी ज़्यादा ऑफ थे, क्योंकि सुबह से हो रही थी बहुत तगड़ी वाली बारिश, लेकिन दोपहर होते होते बारिश हो गई बंद। और फिर थोड़ी देर पहले तक तो मैं और मेरे इंट्रोवर्ट दोस्त साइड में खड़े होकर बस दूसरों को देख रहे थे, लेकिन देखते देखते कैसे उस भीड़ में शामिल हो गए हमें खुद पता नहीं लगा। और फिर जो हमने नाचा वो तो भाई, वहाँ की वाइब, वहाँ की एनर्जी नेक्स्ट लेवल।
और इसी के साथ ये रात यादगार रात बन गई।